वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। आपको याद होगा मैंने एक कहा था आपसे मैग्नेटिक्स के अंदर एमपीएस सर्किट अलग की एप्लीकेशंस कराई थी, जिसमें हमने चार एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपसे कहा था कि एक एप्लीकेशन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो रह गई है, दैट इज कॉल्ड एज टॉरॉइड। ठीक है, तो आज बेटा हम इसको डिस्कस करेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ एमपीएस सर्किट अलग, कई बार पूछी गई है सीबीएसई बोर्ड में, और फिर हम इसमें बेस कुछ न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो लेट अस डिस्कस अबाउट टॉरॉइड। इन फैक्ट टॉरॉइड है क्या? सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ बेटा, देखना यहाँ पे टॉरॉइड एक प्रकार का सोलेनाइड ही है, बट हम इसे जब तो क्या बोलते हैं बेटा, एंडलेस सोलेनाइड, जिसका एंड ना हो। सोलेनाइड की अगर दोनों एंड को हम मिला दें तो एक सर्किल बन जाएगा रिंग टाइप में, वो रिंग हमारा क्या कराएगा, दैट इज कॉल्ड एज टॉरॉइड। ठीक है बेटा, तो टॉरॉइड हम पहले बनाते हैं। आपको देखिए, जैसे एक रिंग ले लो, बच्चे, और इस रिंग के ऊपर हम इंसुलेटेड कॉपर की वायरिंग कर देते लाइक दिस। ठीक है मेरे बच्चे, लाइक दिस, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया और दूसरा। ठीक है मेरे बच्चे, अब देखिए ये करंट डालोगे, ये करंट गई, उल्टा कर दिया मैंने, ये है करंट का डायरेक्शन। देखिए उल्टा, जो करंट डाली उतनी ही करंट यहां से निकली। यहां पे एयर कोर नहीं है, ये हमने मीडियम डाला है। ठीक है, या आप एयर कोर भी ले सकते हैं, पहले मैं एयर कोर की बात करता हूं। अब देखिए मेरे बच्चे, यहां पे करंट को निकल रही है और यहां एंटर कर रही है, तो जहां निकलती है उसे डॉट कर दो। ठीक है मेरे बच्चे, ये डॉट दिखा दिया मैंने, और जहां से एंटर कर रही है वो पॉइंट क्रॉस दिखा दो, चलेगा? अरे करवाया था ना सोलेनाइड में, ठीक है बेटा। अब तीन पॉइंट पे हमें फील्ड निकालनी है इसके कारण, एक तो अंदर बिल्कुल इनसाइड, एक यहां पे और एक बाहर। तो हमें तीन एम्पियर लूप को क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। जरा ध्यान देना, एक लूप तो हम ये बना लेते हैं जिसका रेडियस हमने R1 मान लिया, ठीक। दूसरा लूप हमने ये बना लिया जिसका रेडियस हमने R ले लिया। ठीक है बेटा, बस समझ में आ रही। और थर्ड लूप मेरे बच्चे एक हमने बाहर ले लिया लाइक दिस। तो दिस इज लूप वन, दिस इज लूप टू, एंड दिस इज लूप थ्री, और ये हमारे सारे क्या है, दीज आर एम्पियर लूप। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? अब जरा समझिए भैया, जैसे मैं आपसे कहता हूं, यहां पे इधर डिस्कस करते हैं कि पहले जो हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट, अगर हम मानते हैं लेट स्मॉल एन क्या है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स माना था ना मैंने, पर यूनिट लेंथ, ये हमने सपोज किया। तो अब एक एक लूप को हम कंसीडर करेंगे और एम्पियर सर्किट लॉ को अप्लाई करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं फॉर लूप वन, क्या लगा दिया मैंने,
एम्पियर सर्किटल लॉ, बताया सभी को क्या था? फाई इंटीग्रल डी डॉट डी एम, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या था ये बेटा? म्यू नॉट सिग्मा ई। तो अगर आप फर्स्ट लूप को देखें तो इसमें से कोई करंट पास नहीं हो रही, मीन्स सिग्मा आई क्या होगा? जीरो। ये वैल्यू जीरो कर देते हैं और ये आप जानते हैं, तो बी इन टू टू पाई आर, आर की जगह आर वन, तो ये जीरो हो गया। तो टू पाई आर वन तो जीरो है नहीं, इसका मतलब अंदर फील्ड क्या होगी? जीरो होगी। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? समझ में आ रहा है? अब देखिए मेरे बच्चे, सेकंड पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पे, फॉर लूप सेकंड नहीं थर्ड की बात करते हैं। तो ये तो इनसाइड था, अब आउटसाइड लेते हैं। फॉर लूप थर्ड फिर लगाते हैं बेटा, तो फाइव B dot dl, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट सिग्मा आई। तो अब सिग्मा आई क्या होगा? जितनी करंट अंदर है उतनी ही बाहर है, तो I माइनस I अगर हम लें तो अभी भी क्या होगा हमारा? जीरो। मीन्स बाहर अगर हम देखें तो B into 2 pi R2 जीरो, तो अभी भी B क्या होगा हमारा? तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टॉराइड के बाहर भी फील्ड जीरो और अंदर भी जीरो। इनसाइड टॉराइड की अगर हम बात करें तो लूप टू हमें कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है बेटा? तो लूप सेकंड जब हम कंसीडर करेंगे तो हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड कितनी। इसको मैं रफ कर देता हूं, ये वाला पोर्शन देखिए बेटा, बहुत आसान से है, बिल्कुल सबसे आसान टॉपिक है। तो दिस इज लूप टू, एम्पियर सर्किटल लॉ लगा दो। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा मेरे बच्चे? म्यू नॉट सिग्मा आई। तो ये तो आप जानते हो बी इनटू टू पाई आर और म्यू नॉट, जरा इसकी बात कर लेते। अब यहां पे समझना, इस लूप से एसोसिएटेड करंट सिर्फ बाहर है, सब बाहर है ना, ये कंसीडर ही नहीं करेंगे, सिर्फ अंदर वाली कंसीडर करेंगे। तो क्या आएगा हमारा? ये लेंथ कितनी है? 2 पाई आर, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हैं? एन। तो एन से मल्टीप्लाई कर दिया, और एक टर्न में करंट कितनी है? आई। तो टोटल करंट क्या हो गई? टू पाई आर से ये कट गया, तो जो बी अंदर आया वो म्यू नॉट एन आई है ना, बहुत आसान, ठीक है मेरे बच्चे? ये बात समझ में आ गई। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके हम डाल देते हैं यहां पे, ये जो टॉराइड है ये एक्ट करता है, टॉराइड act as magnet, याद रखना, having no pole। बात समझ में आई? आप कहते हैं कि कोई भी डिवाइस ऐसा नहीं है जो मैग्नेट की तरह बिहेव करे और जिसके पोल ना हो। इसका एग्जांपल है टॉराइड हमारा, या मैग्नेटिक रिंग की बात करें तो उसमें क्या होगा? पोल नहीं होंगे, उसके बावजूद भी क्या होगा? वो कैसे बिहेव करेगा हमारा? एज अ मैग्नेट। तो ध्यान रखना इस पॉइंट जो मैंने आपको एंडलेस क्यों कहा, क्योंकि ना ये कहीं का स्टार्टिंग है इसका, ना ही कहीं इसका क्या है, एंड। अब एक चीज ध्यान देना कि अगर हम, ये तो एयर कोर के लिए, दिस इज फॉर एयर कोर, इसके अंदर एयर, और अगर हम एयर को रिप्लेस कर दें मीडियम, तो यही फील्ड हमारी मीडियम में क्या हो जाएगा? म्यू नॉट म्यू आर और एन, याद रहेगा बेटा?
ये हमारा क्या है, दैट इज कॉल्ड एज टॉरॉइड एंड दिस इज दिस वॉज द एप्लीकेशन फॉलोअप. तो ये जो पांच एप्लीकेशन है एनपीएस सर्किट लगे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से कोई ना कोई जरूर आएगी, 3 मार्क्स की आती है, इसलिए एप्लीकेशन सिंपल सिंपल सी है, थोड़ा सा ध्यान रखोगे बहुत आसानी से चीज़ें हो जाएंगी. अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे. आपको याद होगा हमने सोलेनाइड की बात की थी, तो एम्पियर सर्किटल लॉ से प्रूव किया था वही सिलेबस में, लेकिन हमने एंड पे एक लिखवाया था, तो एंड पे हमने कहा था कि जो एक्सेस पे होगी फ्लूइड उसकी हाफ हो जाएगी. कैसे होता है वो थोड़ा सा हम एक रफ आइडिया देंगे, ध्यान देंगे. ठीक है बेटा, देखिए मेरे बच्चे, हम बात करते हैं करंट कैरी सोलेनाइड, बता रखा ना मैंने, बहुत छोटा सा रफ बताएंगे हम. ये हमारा आप जानते हैं एक पॉइंट डॉट, अगर दिखाते हैं यहां से करंट बाहर आएगी तो यहां से अंदर जाएगी, डिस्कस किया था मैंने. ठीक, और ये इसकी एक्सिस है. एक जनरल पॉइंट पी हम ले लें, ठीक है बेटा, तो यहां पे फील्ड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड. ये सोलेनाइड है तो मैग्नेटिक फील्ड एट पी, मैं आपको समझाता हूं किसका इस्तेमाल करते हैं, यूजिंग, मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा, यूजिंग बायोट सेवर्ट, बायोट सेवर्ट. ये एंगल एक एंड ले लिया, दिस इज फाई वन, और दूसरा एंड जो बनाता है एंगल इसी एक्सिस से, दैट इज फाई टू. अगर आप ये माने स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ, याद होगा अगर हम टोटल लेंथ क्या माने मेरे बच्चे, कैपिटल एन माने, तो स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्म्स टोटल बाई एन. ठीक है मेरे बच्चे, तो कहते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी यहां पे वो म्यू नॉट एन आई अपॉन टू, आई इसमें करेंट है, और ये होगा हमारा कॉस फाई वन माइनस कॉस फाई टू. ये फाइनल रिजल्ट है, आप डायरेक्ट एम्पियर समझ के इसको लिख लेंगे, ये डायरेक्ट प्रूफ नहीं है सिलेबस को, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं. अब देखिए मेरे बच्चे, ये दो एंड थे, फाइनाइट हमने बात की थी, फाइनाइट लेंथ का सोलेनाइड. अब देखिए इसमें हम दो केस लेंगे, जैसे पहला केस तो हम लेते हैं केस फर्स्ट, इफ सोलेनाइड इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ तो फील्ड क्या है, देखो ये लेंथ जब इनफाइनाइट होगी तो फाई वन ये बढ़ता जाएगा और फाइनली ये क्या हो जाएगा, अरे जीरो हो जाएगा, जब ये एंड तो ये मिलेगा ही नहीं, फाई वन तो जीरो हो जाएगा और ये भी एंड कहीं नहीं मिलेगा इस एक्सिस के पैरेलल आएगा, तो ये एंगल पूरा कितना हो जाएगा, 180. ये ध्यान रखना पड़ेगा एंगल. तो हमारे पास बी जो आएगा वो म्यू नॉट एन आई अपॉन टू और कॉस जीरो माइनस कॉस 180. कॉस जीरो कितना होता है, 1, समझ में आ रहा है, ठीक है मेरे बच्चे, और ये होता है माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो 2 से 2 कटेगा, फील्ड कितनी आई बेटा बोलो, बताया था ना म्यू नॉट या म्यू नोट एन बाई एल, यही फील्ड हमने निकाली थी, समझ गए. तो दिस इज द फर्स्ट केस. दूसरा मैंने कहा था कि अगर एक एंड पे निकालना तो सेकंड देखिए बेटा, केस सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड एट वन एंड ऑफ करंट कैरिंग सॉलिड, ऑफ
करेंट कैरिंग सोलेनाइड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, याद रखना बेटा, इनफाइनाइट फाइनाइट लेंथ होगी तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो इनफाइनाइट लेंथ और एक एंड, अब ये पॉइंट अगर बेटा यहां रख दे तो फाइव वन क्या हो जाएगा 90, और फाइव टू का इनफाइनाइट है तो ये पूरा एंगल क्या होगा 180। तो फाइव वन तो कितना हो जाएगा 90 और फाइव टू हो जाएगा 180 डिग्री बेटा। तो अब फील्ड क्या होगी एंड पे, म्यू नॉट एन आई अपॉन टू, तो कितना आ गया कॉस 90 माइनस कॉस 180, कॉस 90 जीरो, ये वैल्यू माइनस वन होती है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वन। तो बेटा देखो मैंने वही बताया था, याद करो, तो एंड पे जो फील्ड आएगी वो हाफ म्यू नॉट एन आई, ये बात समझ में आ गई ठीक है। तो आपको याद होगा वहां पे हमने डायरेक्ट लिख दिया था रिजल्ट, क्योंकि हमने ये रिजल्ट नहीं दिया, मान लो हमने कहा वो तो हमने इनफाइनाइट के लिए निकाला था, मान लो आपको दे देंगे और ये वैल्यू दे देंगे और फिर फाइनाइट लेंथ दे देंगे, फिर कहेंगे फिर निकालो तो दिक्कत आएगी, फिर आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये रिजल्ट कहां से लिया गया है मेरे बच्चे, दैट इज फ्रॉम, दिस इज द वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बायो, लेकिन चूंकि सिलेबस में नहीं है, लेंथी इक्वेशन है इसलिए जरूरत नहीं करनी है, बात समझ में आ गई। तो ये जो हमारा था जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वो चैप्टर मैंने पूरा आपका करा दिया। अब सिर्फ दो चैप्टर्स बचे हैं छोटे छोटे मैग्नेटिज्म, लेकिन उसके पहले अब मैं एक दो लेक्चर आपके न्यूमेरिकल्स डालूंगा, उसके बाद बात समझ में आई। तो इसमें बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हम करते हैं जिनको आप देखिए। देखिए मेरे बच्चे एक प्रॉब्लम है, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सिलेंडर, करेक्ट सॉलिड है जिसका रेडियस ए है, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका रेडियस ए, कैरिंग करंट आई जिसका डायरेक्शन प्लस जेड, और एक दूसरा हॉलो है जिसका रेडियस बी है और कैरिंग करंट अलॉन्ग माइनस जेड डायरेक्शन, करंट सेम। फिर कह रहा है इन पॉइंट्स के ऊपर आर लेस देन इक्वल टू ए, आर ग्रेटर देन ए लेस देन बी एंड आर ग्रेटर आर इक्वल टू बी, इस पे हमें क्या निकालना है मैग्नेट। तो आप इसको करने के लिए आपको एम्पीयर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें सबसे पहले मैं तो डायग्राम की बात करता हूँ। पहले उसने कहा कि एक वायर है, समझना, जिसका रेडियस ए है और करंट हमारी जेड एक्सिस, पहले इसको मैं थोड़ा फ्रेम बना देता हूं, दिस इज वाई दिस इज एक्स दिस वन इज जेड, तो जेड बाहर की तरफ है तो हमने डॉट ये करंट ले लिया। दूसरा हॉलो, ये सॉलिड सिलेंडर हो गया, दूसरा कह रहे हैं एक हॉलो सिलेंडर है जिसका रेडियस बी है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, तो ये रेडियस जो हमारी है बेटा दैट इज बी, और इसमें करंट अंदर की तरफ है तो सेम करंट बट करंट का डायरेक्शन क्या है माइनस जेड, इसमें प्लस जेड। तो अब मैं एक एक केस को कंसीडर करता हूं। सबसे पहले उसने कहा है कि पहला पॉइंट देखो क्या है कि आर लेस आर इक्वल टू ए, ठीक है बेटा, लेस आर इक्वल टू ए का मतलब मैं इसको अलग कर लेता हूं क्वेश्चन, तो ये हमारा ए है, करंट कितनी है इसमें पूरे में है आई, तो हमें कहां निकालना है बेटा, यहां निकालना, इसमें करंट आई डैश हो जाएगी, तो टोटल करंट जो हमारी है वो आई। तो अब हम अगर ये लूप ले एम्पीरियन और बायोट सेवर्ट लॉ लगाएं तो फाइ बी डॉट डीएल म्यू नॉट आई डैश होगा, पूरी करंट नहीं ले सकते क्योंकि इस लूप में करंट कितनी है आई डैश, करवाया था मैंने आपको, इसकी वैल्यू आप जानते हो बी इंटू टू पाई आर और म्यू नॉट, आई डैश की वैल्यू क्या होगी, देखो पूरे एरिया में करंट आई है तो इस एरिया में करंट चाहिए, तो यूनिट एरिया में करंट क्या होगी बेटा आई अपॉन पाई ए स्क्वायर, और हमें इसमें निकालनी तो पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, ठीक है मेरे बच्चे, से आर कट दे, तो जो बी फील्ड आई
म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर और आई इनटू आर चलेगा। और ध्यान देना कि अगर हम इक्वल लें तो रख सकते हो भी, तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर कट जाएगा अपॉन 2 पाई। मिस पहला वाला पॉइंट हो वो दिक्कत है, समझ में आ गई बेटा। अब सेकंड पॉइंट की बात करता हूं, देखिए सेकंड पॉइंट जो हमारा है वो ये है, देखिए आर की वैल्यू ए से तो ज्यादा है लेकिन बी से छोटी है, इसका मतलब कहीं लूप हमारा अब यहां आएगा, पहले लूप यहां था, समझ गए मेरी बात। तो अब क्या होगा मेरे बच्चे, इस केस में b into 2 pi r ये तो वही रहेगा 5 b dot dl और mu not, अब करंट टोटल आ जाएगी और टोटल करंट कितनी है i, तो जो b आएगा मेरे बच्चे mu not upon 2 pi r और into i, तो दिक्कत हो तो बता देंगे। दो पॉइंट हो गए, बहुत आसान है। तीसरा पॉइंट क्या है, r greater than b, तो जो थर्ड पॉइंट हम ले रहे हैं अब वो लूप इससे बाहर आएगा, ठीक है बेटा। तो इसमें हमारा जो होगा r greater r equal to b में, तो b into 2 pi r, अगर हम लूप ले इसकी r रेडियस मान के, तो म्यू नॉट और सिग्मा i, तो सिग्मा i क्या हुआ बेटा, एक करंट बाहर है और एक अंदर है, करंट क्या हो गई जीरो। तो आपने क्या दिखा दिया कि b into 2 pi r जीरो आएगा, तो 2 pi r तो जीरो किसी भी हालत में नहीं होगा क्योंकि तो इसकी सर्कमफेरेंस है, ठीक है, इसका मतलब b क्या होगी, तो जो बाहर फील्ड होगी मेरे बच्चे वो क्या आएगी। तो तीनों पॉइंट पे जो हमने है वो आपको डिस्कस कर दिया, ये वाला पॉइंट भी डिस्कस कर दिया, ये वाला भी पॉइंट डिस्कस कर दिया और ये वाला भी पॉइंट हमने, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इजी गोइंग आपके प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है मेरे बच्चे। एक नेक्स्ट प्रॉब्लम और देखते हैं, देखिए मेरे बच्चे करेक्ट लॉन्ग सिलेंडर है, कंडक्टिंग सिलेंडर जिसका रेडियस आर है, कैरिंग करंट आई, द करंट डेंसिटी कॉन्स्टेंट इज बट वेरीज एज g is equal to k r square, जहां पे k constant है। The find magnetic field at point P. P जो है हमारा वो r distance पे है, और small r छोटा है capital R से। यहां निकालना है magnetic field। अब देखिए, ये हमने एक loop ले लिया, ये तो आपको लेना ही पड़ेगा empirical loop, और इससे आप magnetic field निकाल लीजिए। This is एम्पीरियल लूप, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ एम्पीरियल लूप क्या है मेरे बच्चे, ये तो आपको सभी को पता है कि फाई बी डॉट डी एल और म्यू नॉट ऑफ आई डैश लेंगे, आई हम नहीं ले सकते क्योंकि तो इसमें से करंट कुछ अलग जाएगी, मान लो आई डैश ये निकालनी पड़ेगी बेटा। तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, b इंटू टू पाई आर और म्यू नॉट आई डैश, समस्या यहां पे आई। मैं इस लूप को थोड़ा बाहर निकालता हूं आपको समझाने के लिए, थोड़ा बड़ा बना ले, ये रेडियस r है, आई डैश निकालना है, चूंकि करंट डेंसिटी वेरी कर रही है तो आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, पहले आप इसमें से आप एक काम करिए, छोटा सा एलिमेंट काट दीजिए, ये रेडियस था, ये रेडियस x और इसकी थिकनेस dx, करंट डेंसिटी क्या होता है,
डी आई बाई डी बताया था फॉर्मूला करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो बेटा जो डी आई करंट होगा इसमें से वो कितनी होगी, जे डी ए, और जे की वैल्यू आप जानते हैं के आर स्क्वायर, और एरिया किसका जो एलिमेंट है सभी को पता होगा एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू थिकनेस, लेंथ कितनी है 2πx और थिकनेस dx, तो एरिया क्या हो गया। अब यहाँ पे के आर स्क्वायर जो है तो आप एक काम करिए इसको समझिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, यहाँ तो ये हमारा क्या होगा 2πx dx, ये वेरिएबल है तो ये भी हमारा आर ही होना चाहिए, इसको आप x को आप एक काम करिए r कर लो और इसको थोड़ी देर के लिए भूल दो और ये क्या कर लो dr, तो ये क्या हो जाएगा 2πr और dr। तो अब ये कितना हो गया बेटा, 2π के तो कांस्टेंट है और r क्यूब dr हो गया, अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो तो 0 से i डैश और ये 0 से r, तो कितना है बहुत आसान है, कितना है क्या मेरे बच्चे बोलिए, ये तो आई हो गया और ये 2πk हो गया, और r क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, r की पावर 4/4, 0 से r लगाओगे तो वही आएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई देखो भाई, आई डैश बोलो कितनी आई, ट्वाइस पाई के और r की पावर 4/4 याद आएगा, तो रखो बेटा यहाँ पे, तो b into 2πr और mu naught twice pi k r की पावर 4 और y कितना हो गया 4, 2 2 4 pi से pi गया, r से ये गया तो q बचा, तो बेटा b कितना हो गया म्यू नॉट बाई 4, 2 2 4 और k और r क्यूब, तो ये जो हमारी होगी समझ गए मेरी बात, कहीं कोई डाउट हो पा देखिए मेरे बच्चे बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, आपको एक थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे, ये कह रहा है एक सॉलिड सिलेंडर है जिसमें करंट पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड थी, तो ऑब्वियसली इसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगी सॉलिड सिलेंडर के, आपको याद होगा करवाया था मैंने, कहते हैं कि अगर इसका इसके पूरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से हम एक छोटा सा एलिमेंट काट के हटा दें, इसको रिमूव कर दिए कैविटी बना दी, तो कह रहा इन साइड कैविटी हमें क्या निकालना है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और बताना है कि वो फील्ड हमारी यूनिफॉर्म होगी या नॉन यूनिफॉर्म। तो सबसे पहले मैं इस केविटी का जो ये पूरा जो एरिया क्रॉस सेक्शन है हम वो निकाल लेते हैं, पहले समझिए इसको, थोड़ा सा हम बड़ा बनाएंगे जिससे आपको साफ होगी, ठीक है बेटा, ये कोई एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है इसका, ए है, ये ऑब्वियसली इसका क्या होगा सेंटर होगा, हम कोई एक केविटी यहाँ पे बना लेते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक केविटी बना ली, ये हमारी क्या है केविटी है, और इसका सेंटर ओ डैश है मान लो, और ये हमने एल वेक्टर मान लिया, तो केविटी में किसी भी पॉइंट पे हम निकाल लेते हैं फील्ड, मान लो ये पॉइंट पी है जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो अगर पूरे में से मान लो इसके कारण पहले हम फील्ड निकाल लें, ये मान लो आर है वेक्टर, यहां फील्ड निकाल लें पूरे के कारण, और फिर इस पोर्शन के कारण निकाल लें r डैश वेक्टर, तो पूरे में से अगर इसके कारण फील्ड जो यहां निकालेंगे वो घटा दे तो हमारी रिमेनिंग पोर्शन के कारण फील्ड आएगी, तो नेट फील्ड एट p क्या होगा, देखिए मेरे बच्चे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड एट p इनसाइड कैविटी dp BO पूरे के कारण और माइनस BO डैश, इस प्रकार BO डैश और BO किसके कारण है,
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, होल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और बीओ जो हमारा है वो किसके कारण है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या? केविटी। मीन्स अ पार्ट ऑफ सिलेंडर विच इज टू बी रिमूव, समझ गए मेरे बच्चे? तो अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ये दोनों के कारण निकालेंगे। पहले तो हम किसके कारण निकालेंगे? पहले हम किसके कारण निकालेंगे? कंप्लीट के कारण आर डिस्टेंस, और फिर इसके कारण सिमिलरली करके फिर उठा के रख देंगे। तो पहले मैं उसको रफ कर देता हूं बेटा। देखिए बेटा, पहले पूरे के कारण निकालोगे तो ये आप एम्पीरियल रूट लोगे। अरे भाई यही तो लोगे। तो हमारे पास क्या होगा? बीओ जो आएगा वो तो कैसे निकालेंगे? एम्पीयर सर्किट टर्म में बी इंटू टू पाई आर, अरे आर रेडियस है, और ये कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई। आई स्क्वल टू क्या होता है? अरे यार जे स्क्वल टू आई बाई ए होता है। तो आई को रिप्लेस कर सकते हैं जे इंटू ए, जे इंटू एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास जो बी आया वो टू पाई आर और म्यू नॉट जे पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर से आर गया, पाई से पाई गया, तो बी कितना आया बेटा? म्यू नॉट बाई टू, देखो मेरे बच्चे, और जे इंटू। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे, ये तो स्केलर फॉर्म है, तो वेक्टर फॉर्म में क्या आया बेटा? बी म्यू नॉट बाई टू और जे क्रॉस आर। फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा बी ओ आ गया पूरे के कारण, ठीक है मेरे बच्चे? अब किसके कारण निकाल लेते हैं? सिमिलरली इस वाले के कारण भी आर डैश में निकालेंगे। तो बी ओ डैश सिमिलरली बी ओ डैश जो आएगा मेरे बच्चे म्यू नॉट अपॉन टू, और जे तो वही है लेकिन क्रॉस आर डैश, और ये दोनों वैल्यू उठा के हम यहां पे रख देते। तो क्या आएगा मेरे बच्चे? इसको मैं हटा दू, समझा रखा मैंने आपको। तो बताइए फिर दोनों की रखो बेटा, क्या चीज कॉमन आ जाएगी दोनों में? ये चीज कॉमन आएगी मेरे बच्चे। तो हमारे पास क्या आया बीपी पे? म्यू नॉट बाई टू, और इन साइड क्या होगा? जे कॉमन में है जे क्रॉस आर डैश माइनस का, तो जे हम क्रॉस ले ले तो क्या होगा? आर माइनस आर डैश वेक्टर। बात समझ में आ गई? अब ये ट्रायंगल लगा लो, सेम ऑर्डर वाले जोड़ दो, तो ट्रायंगल लिया ओ ओ डैश टी, तो क्या होगा? एल देखो बेटा प्लस आर डैश वेक्टर दैट इज आर। तो एल किसके बराबर होगा? आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर। तो रख देते हैं, तो पी पे फील्ड जो आएगी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड केविटी म्यू नॉट अपॉन टू, तो क्या बन गया हमारा? दैट इज जे क्रॉस, ये चीज क्या होगी? एल। अब एक चीज देखिए बेटा, इसमें क्या कोई चीज वेरिएबल है? नहीं है, सारी चीज कांस्टेंट है। तो क्या कहोगे बेटा? ये चीज क्या है? कांस्टेंट। तो जो बी की वैल्यू होगी वो यूनिफॉर्म होगी किसमें बेटा? इनसाइड केविटी, इनसाइड। ये ठीक है मेरे बच्चे? तो एक चीज ध्यान देना, अगर हम केविटी लेंगे तो उस केविटी के अंदर फील्ड जो हमारी होगी वो नॉन जीरो होगी, और कैसी होगी? यूनिफॉर्म। वो चीज मैंने आपको यहां से एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा, ठीक है मेरे बच्चे? तो आज इतना ही रखेंगे हम इस लेक्चर में, क्योंकि बड़ा लेक्चर हो गया है। बाकी जो नोमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन आज आपका
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का हर टॉपिक मैंने करा दिया।